ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਦਈ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਬੱਚਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਟ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਕਲ ਦੇ ਸੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਕਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੈ क्योंकि ये खिलाफ पिछे जो रीसेंटली भी मल्टीपल मुकदमे दर्ज हुए हैं जोड़ा आई टी एक्ट जो है थाना दुगरी के भी जोड़ा ये कोई सेठी सेठी लड़का उन्होंने फोन के उत्ते वलगर जड़िया गल् बोलिया वो असी बयान लिख के जोड़ा मुकदमा दर्ज किया देखो ये कोई गैंगवार नहीं इन्हों का घरेलू जो रौला घरेलू रंजिश है उस रंजिश की हिवस के उन्हें गोलियां मारिया और वो इन्हों आपस एक दूसरे अब्यूज़ कर रहा है तो यह जोड़ा हूं तक का कारण है बाय नेम असी मुकदमा दर्ज करके दोषी गिरफ्तार कर लिया जो हूँ सी एम सी में आया जो थाना तीन नंबर के एरिए एक शॉप है टैटू की उत्थे बैठा सी जिहड़ा इहदे दसण मुताबिक है भी मेरे ते उत्थे आके फलाने बंदियां ने बाय नेम दस्या भी उन्होंने मेरे ते फायर किया उहदे फायर तो बाद इहनी अपने परसनल वैपन के नाल जिहड़ा इहदा अपना लाइसेंसी वैपन है उहदे नाल इहने भी फायर किया और इहदे दसण मुताबिक है जदों भज्जे है मे बी उहनां दे विच्चों भी कोई बंदा इंजर्ड होया जो फिर तो सारी गल हालात जोड़े हैं वो ये वजह रंजिश जी कहना की परिवारिक वजह रंजिश हैगी है जिस देने जोड़ा हूँ नाम लिखाया वो इन्हें अपने सहरे का भी नाम लिखाया भी मेरा सहरा तो एक जोड़ा बैनीपाल नन्नू जोड़ा वो जोड़ा मेरे सहरे के नाल परिवारिक है और इन्हों मे भी कोई वाइफ के नाल भी हूँ रीसेंटली जो डिस्प्यूट चलता क्योंकि इन्हें लव मैरिज कराई सी तो सहरे परिवार की बिना सहमति तो हुई सी तो परिवार शायद बच्ची नूं किते होर मैरिज करना चाहता सी ते उहदे विच शायद बैनीपाल सी इस गल तां इहदे पिछे कुछ दिन पहलों भी इन्हां दी आपस च फोन दे उत्ते भी जिहड़ा इन्हां ने एक दूजे नूं अब्यूज़ किया गालां कढ़ियां उन्हें भी कढ़ियां इन्हें भी कढ़ियां तां इह कुछ दिन तो इन्हां दा आपस च चल रहा सी उस रंजिश च उहने अज्ज एफ आई आर किया ते इंजर्ड होया ते असीं इहदा बयान लिख लिया मुकदमा दर्ज करके दोषी गिरफ्तार कर लिया हाँ इन्हें सारे इन्हें उहदे विच रिशव जिहड़ा बैनीपाल एलियस नन्नू तो एक ने अपने फादर इन लॉ जे अवतार सिंह सौरा साहब वो ते तीन जने होर लिखाए हैं तो उन्होंने खिलाफ असी 307 का मुकदमा दर्ज करके आर्म्स एक्ट का तो असी फरदर जो दोषी उन्होंने गिरफ्तार कर ये दो जने हैं जो एक है तो एक नाल होर हूँ तक डॉक्टर साहब के दसण मुताबिक जी मैं हूँ सारी गल सुनी है इन्हें स्टेटमेंट लिखाई है साइन किए हैं होशोवाश है प्रॉपर इन्हें अपनी बयान लिखाया सारी गलबात इन्हें दसी है वजह रंजिश दसी है कौन है किमें है कि ने किया वो हजे मैं इन्हों मिलना फिलहाल मैं वो ठीक है ये डॉक्टर साहब के दसण मुताबिक है दो या तीन तो चार हो सकते हैं वो हजे उन्होंने एग्जामिन कर रहे हैं तो फर्स्ट एड दे रहे हैं दसो ये कहने मुताबिक है उन्होंने मेरे ते किए हैं पांच छे तो इन्हें अगे पांच छे उन्होंने किए हैं जो इन्हें किए वो दौड़ गए पर दौड़न भी ये दसण मुताबिक है भी उन्होंने भी शायद मे भी कोई बंदा इंजर्ड होया देखो जी यदि सिक्योरिटी का है क्योंकि ये खिलाफ पिछे जो रीसेंटली भी मल्टीपल मुकदमे दर्ज हुए हैं जोड़ा आई टी एक्ट जो है थाना दुगरी के भी जोड़ा ये कोई सेठी सेठी लड़का उन्होंने फोन के उत्ते वलगर जड़िया गल् बोलिया वो असी बयान लिख के जोड़ा मुकदमा दर्ज किया बिल्कुल जो उन्हें अपने बयान ये गल की भी वजह रंजिश मेरी वाइफ के कारण है मेरा मैं लव मैरिज कराई सी मेरी वाइफ ने मेरा डायवोर्स का जोड़ा हूँ चल रहा रीसेंटली हुई सी और बड़े थोड़े दिन आपस जो डिफरेंसिस बन गए और जोड़ा सहरे परिवार के खिलाफ इन्हें परचा दर्ज कराया तो जोड़े बंदे ने फायर का एलीगेशन लाया वो ये सहरे परिवार के बहुत नज़दीकी है तो वो जोड़ा लड़का वो दसण मुताबिक भी मे भी परिवार वो जोड़ा कोई संबंध है सहमति नाल उस लड़की का उधर करना चाहते सी बट ये जोड़ा इन्हें उन्होंने सहमति तो बगैर लड़की को लिजा के जो तो विआह करा लिया तो यही इन्हों का आपस जो लड़ाई का रीजन देखो ये कोई गैंगवार नहीं इन्हों का घरेलू जो रौला घरेलू रंजिश है उस रंजिश की हिवस के उन्हें गोलियां मारिया और वो इन्हों आपस एक दूसरे अब्यूज़ कर रहा है तो यह जोड़ा हूँ तक का कारण है बाय नेम असी मुकदमा दर्ज करके दोषी गिरफ्तार कर आ जाओ बुजुर्ग
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੇਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂਟਡ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਰੌਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਬਾਏ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਥਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਦਈ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਬੱਚਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਟ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਨਾਲੂ ਨੇ ਚਲਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।